वेलकम टू दीपूस किचन। आज हम बनाएंगे फराड़ी वाला, जिसके लिए मैंने आलू लिया है, बॉईल करके स्मैश करके रखा है। तीन चार आलू लिया है, फिर थोड़ा सा हरा धनिया, करी पत्ता, अदरक और मिर्ची का पेस्ट लिया है। जो आप स्पाइसी जितना खाते हैं वो हिसाब से ले सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी लिया है और टेस्ट के अनुसार नमक, और इसमें राई लिया है तड़का देने के लिए। और ये है आरारूट, जिसको वाटर चेस्टनट आटा भी बोलते हैं, और इसको सिंगाड़ा का आटा भी बोलते हैं। उसी से हम बनाएंगे जो फास्ट में खा सकते हैं। अभी मैंने एक बाउल में मैं तेल गरम करने को रखूंगी। तेल को हम गरम करेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून तेल गरम करने को रखा है। इसमें मैं राई डाल दूंगी थोड़ा सा। राई को हम अच्छे से फूटने देंगे। उसमें करी पत्ता डालेंगे। गैस को मैं बंद कर दे रही हूँ, और इसमें जो मिर्ची और अदरक का पेस्ट है वो भी डाल देंगे। मैंने आलू में हल्दी डाल देती हूँ थोड़ा सा, और तड़का जो है उसमें मिक्स कर देंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे। उसमें मैं टेस्ट के अनुसार नमक डालूंगी। मैंने आलू बॉईल करते टाइम थोड़ा सा नमक डाला हुआ है, तो मैं थोड़ा कम डालूंगी। उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और हरा धनिया भी मैं ऐड कर दूंगी। ये वड़ा पाव में जो वड़ा यूज होता है वैसा ही वड़ा है, लेकिन ये फराल में आप खा सकते हैं, फास्टिंग को आप खा सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी आटा है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। आलू का जो मसाला है वो अच्छे से मैंने रेडी कर लिया है। ऐसे हम उसको बड़ा बना देंगे गोल। अभी आप देख सकते हैं जो बटे आलू का मसाला था उसको मैंने गोल बॉल्स जैसा बना दिया है। सब देख सकते हैं अच्छे से बन गया है। अभी मैं जो हमारा सिंगाड़ा का आटा है उसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी टेस्ट के अनुसार, और पानी डाल के आटा भून लूंगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। पहले कड़क बनता जाएगा वो आटा। मैंने इसमें हल्दी नहीं डाला है। ये बहुत सॉफ्ट रहता है, इसकी वजह से थोड़ा ये हो रहा है। अच्छे से उसको मिक्स करना है। आप देख सकते हैं मेरा जो आटा है वो रेडी हो गया है, तो अभी मैं उसमें से वड़ा बनाऊंगी। ये सिंगाड़ा का आटा है वो ज्यादा ये रहता है, तो हाथ में चिपकता रहता है। हाँ
आटे में धीरे धीरे पानी डाल के उसको मिक्स करना है, क्योंकि वो वापस एक साथ में जम जाता है, हाथ में भी वो चिपक जाता है। तो अभी मैं ऐसे कर रही हूँ तो भी मेरे हाथ से चिपक रहा है वो। अभी हम इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। अभी आप देख सकते हैं जो वड़ा है वो फ्राई हो रहा है, थोड़ा वड़ा है वो आटा है वो ज्यादा ड्राई आटा लिया तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पानी वाले आटे से वो गाढ़ा होता जाएगा। तो आलू का जो वड़ा है उसको दोनों साइड रफली ड्राई आटे में ही आप ये कर दीजिए, क्योंकि एक दो वड़ा मेरा खुल गया था तो मैंने वापस उसको डिप किया है ड्राई आटे में, ताकि वो खुले नहीं, नहीं तो तेल में खुल जाएगा। और इसको आप तवे पे रोस्ट भी कर सकते हो तेल लगा के, देख सकते हैं एक दो वड़ा मेरा खुल गया था ऑयल में, उसको मैंने निकाल दिया है। अभी आप देख सकते हैं वड़ा है वो मेरा फ्राई हो गया है। अभी आप देख सकते हैं रेडी है हमारा फराड़ी वड़ा।